बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। द ओल्ड मैन एंड द सी का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है उसके ख्वाब, उसके ड्रीम्स। राइट अ नोट ऑन ओल्ड मैन्स ड्रीम्स। व्हाट डू सेंटियागोज ड्रीम्स ऑफ लायंस इंडिकेट? और फिर व्हाट डज द ओल्ड मैन ड्रीम अबाउट? व्हाट डज द ड्रीम सिग्निफाई? यानी ड्रीम्स के बारे में उसका कोई भी आ जाए क्वेश्चन, तो ड्रीम्स वो इनके लायंस के ही देखता था, शेरों के ही देखता था। तो आपने ज़रूर ये वाला क्वेश्चन याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ड्रीम्स एंड मेमोरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ सेंटियागो। सेंटियागो की ज़िंदगी में ड्रीम्स और मेमोरीज, ख्वाब और यादें एक अहम किरदार अदा करती हैं। हिज ड्रीम्स आर वेरी पीसफुल एंड रिकरिंग। उसके जो ख्वाब हैं वो बहुत पुरसकून हैं एंड रिकरिंग, और बार बार उसको वही वाला ख्वाब आता है, यानी शेरों के ख्वाब देखते हैं और बार बार वही एक ही ख्वाब उसके ख्वाबों में, यानी बार बार वो एक ही चीज़ देखता है। ही डजेंट ड्रीम ऑफ वारफेयर। वो जंगों के ख्वाब नहीं देखता, नॉर ऑफ बिग कॉन्टेस्ट, ना ही बड़े बड़े मुकाबलों के देखता है, नॉर ऑफ वीमेन, नॉर इवन ऑफ हिज वाइफ, ना ही औरतों के बारे में देखता है और ना ही अपनी बीवी के बारे में देखता है, गंदा बच्चा। हिज ड्रीम्स अबाउट लायंस एट 3 डिफरेंट टाइम्स इन द नावल। वो नावल में 3 मुख्तलिफ मौक़ों पर लायंस के ख्वाब देखता है। फर्स्ट टाइम सेंटियागो ड्रीम्स ऑफ लायंस प्लेइंग ऑन द बीचेस बिफोर ही स्टार्ट्स हिज 3 डेज फिशिंग जर्नी। पहली बार वो शेरों का ख्वाब देखता है, जो शेर साहिलों पर खेल रहे होते हैं। अपना फिशिंग का 3 दिन का जो फिशिंग जर्नी थी, जो मछली पकड़ने का सफ़र था, वो शुरू करने से पहले। ही इज़ डिसअपॉइंटेड एंड टायर्ड एट दिस टाइम। वो इस दफ़ा वो डिसअपॉइंटेड भी है और टायर्ड भी है। एंड ही इज़ अनएबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। अच्छा, वो 84 डेज तक कोई फिश नहीं पकड़ सका। वेन एवर ही इज़ डिसअपॉइंटेड, जब कभी भी वो डिसअपॉइंटेड होता है या मायूस होता है, ही ड्रीम्स ऑफ लायंस, तो वो शेरों के ख्वाब देखता है। दीज ड्रीम्स ऑफ लायंस गिव हिम अ न्यू स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। शेरों के ख्वाब उसको एक नई ताकत और नई तवानाई देते हैं। सेंटियागो डज नॉट ड्रीम अ सिंगल लायन बट ऑफ सेवरल यंग लायंस। सेंटियागो एक शेर को ख्वाब में नहीं देखता, बल्कि काफ़ी सारे यंग लायंस को देखता है। द सेकेंड टाइम अकर्स When Santiago sleeps on the boat for a few hours in the middle of his struggle with Marlin। और दूसरी बार उसको ये ख्वाब आता है जब वो मार्लिन के साथ उसकी जो लड़ाई होती है उसमें वो चंद घंटों के लिए सो जाता है, उसकी आँख लग जाती है। At this time, इस मौके पर द बिग मार्लिन हैज़ बिन पुलिंग हिज स्किफ स्टेडिली। जो वो बड़ी सी मार्लिन है वो उसकी कश्ती को मुसलसल, स्टेडिली मीन्स मुसलसल, लगातार खींच रही है। सेंटियागो ड्रीम्स अबाउट लायंस टू फुलफिल हिज हिडन डिज़ायर ऑफ गेटिंग बैक हिज यूथ। सेंटियागो ये ख्वाब देखता है शेरों के, ताकि उसकी जो एक ख्वाहिश है छुपी हुई, वापस जवानी की ताकत को, जवानी को वापस हासिल करने की जो ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो ये ख्वाब देखता है। सो दैट ही कैन फाइट अगेंस्ट द हैवी ऑड्स ऑफ लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी की मुश्किलात का, ज़िंदगी में जो मुश्किल वक्त आते हैं उनके खिलाफ लड़ सकें, उनका सामना कर सकें। द थर्ड टाइम टेक्स प्लेस एट द वेरी एंड ऑफ द नावल। और तीसरी बार वो ये ख्वाब देखता है नावल के एंड पे। वेन द ओल्ड मैन कम्स बैक टू हिज हट, जब बूढ़ा अपने हट में वापस आता है, एंड फॉल्स डेड असलीप, और बहुत गहरी नींद सो जाता है। द लास्ट ड्रीम अबाउट लायंस शोज, जो आखिरी ख्वाब वो शेरों का देखता है, ये शो करता है दैट द ओल्ड मैन इज स्टिल अनडिफीटेड, के बूढ़ा अभी भी शिकस्त नहीं खाई उसने, अभी भी वो अनडिफीटेड है, अभी भी वो हारा नहीं है। ही डिराइव्स इंस्पिरेशन एंड करेज फ्रॉम द ड्रीम्स ऑफ लायंस। वो शेरों के ख्वाबों से इंस्पिरेशन हासिल करता है और करेज हासिल करता है। फॉर सेंटियागो लायंस आर द सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड ब्यूटी। यानी सेंटियागो के लिए जो लायंस हैं वो सिंबल हैं, अलामत हैं स्ट्रेंथ की, करेज और ब्यूटी की। ही लव्स ग्रेट एंड मेजेस्टिक एनिमल्स। उसको ये बड़े बड़े शानदार जानवर पसंद हैं, उनसे मोहब्बत करता है, एंड कंसिडर्स देम हिज कंपेनियंस, और वो इनको अपना साथी समझता है। थैंक यू।